दोस्तों इस वीडियो में मैं कुआलालंपुर मलेशिया की मेन अट्रैक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा, टिकट प्राइसेस, टाइमिंग्स और कैसे आप कम समय में बेसी से बेसी अट्रैक्शंस घूम सकते हो। पहला अट्रैक्शन है पेट्रोना टार्स, जिसकी ऊंचाई है 1483 फीट और 86 तल्ले का बिल्डिंग है ये। इसका टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये। 41st और 42nd फ्लोर में यहाँ स्काई ब्रिज है जो 600 फीट ऊपर है। यहाँ जाने के लिए आपको 1700 रुपये देने होंगे। वहाँ से बहुत ही बढ़िया नज़ारा है पूरा कुआलालंपुर का, ज़रूर जाइएगा। दूसरा अट्रैक्शन है मेनरा केएल टावर, जिसकी ऊंचाई है 1381 फीट। यहाँ का टाइमिंग्स है सुबह 9 से रात 10 बजे तक। यहाँ ऑब्जर्वेशन डेक है जो 905 फीट ऊपर है और जिसके चार्जेस है 1150 रुपये। और एक है स्काई डेक जहाँ जो है आपके 1000 फीट ऊँचाई पर, उसका चार्जेस है 2000 रुपये। यहाँ मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप स्काई डेक ज़रूर जाइएगा। स्काई डेक में आपको ऑब्जर्वेशन डेक का भी टिकट उसमें इंक्लूडेड रहता है। और यहाँ एक स्काई बॉक्स है जो पूरा ग्लास का बना हुआ है और वहाँ जाके आप बोलोगे वो एक्सपीरियंस करने लायक जगह है। वहाँ बोलोगे भाई पूरा पैसा वसूली हुआ है मेरा। और सबसे बड़े कि वहाँ से व्यू तो एक्सेलेंट मिलता ही है, साथ साथ आपको पेट्रोना टावर्स का भी व्यू मिलता है। तो अगर कंपेयर करें अपने पेट्रोना टावर्स और मेनरा केएल टावर को, तो सुंदरता पेट्रोना टावर्स का ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। पर व्यू केएल टावर का बेटर है पेट्रोना टावर से, क्योंकि यहाँ आपको एक तो 1000 फीट ऊपर से व्यू देख रहे हो, पेट्रोना टावर्स भी आपको दिख रहा है और जो स्काई बॉक्स है वो तो जब बोनस ही बोनस है, जरूर जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि केएल टावर जाने के लिए पहले से टिकट बुक मत करिएगा, क्योंकि अगर मौसम क्लाउडी रहा तो बेकार हो जाएगा जाना। तो देखिएगा मौसम बढ़िया हो, साफ मौसम हो, क्लियर स्काइज हो, तभी जाइएगा। तीसरा अट्रैक्शन है एक्वेरियम केएलसीसी। इसका टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। ये कन्वेंशन सेंटर में है जो पेट्रोना टावर्स के काफ़ी नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस में है। और यहाँ एक ग्लास डोम जो है 300 फीट का टनल है, वहाँ आपको रंग बिरंगी मछलियाँ दिखती है, सैंड टाइगर शार्क्स, स्टिंग रेज, आपको ऊपर नीचे सब दाएँ बाएँ सब जगह से घूमते हुए दिखेगी। 5000 के स्पीशीज़ के फिशेज़ हैं यहाँ। और यहाँ एक टचपूल एरिया है जहाँ स्टारफिश को बकायदा आप छू सकते हो, बहुत ही सही जगह है, समय लेके जाएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, बच्चों सबको। केएलसीसी एक्वेरियम के चार्जेस हैं 1200 रुपये। यहाँ मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि यहाँ जाने के लिए आप पेट्रोना टावर्स का पीछे का रास्ता यूज़ करिएगा, वहाँ वो रास्ता एक गार्डन की तरफ जाता है, बहुत ही सुंदर गार्डन है, ब्यूटीफुल फाउंटेन्स है, वहाँ जाके आप रिलैक्स भी कर सकते हो। और वहाँ से आप कन्वेंशन सेंटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, 2 मिनट का रास्ता है केवल। चौथा अट्रैक्शन है केएल बर्ड पार्क। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एविरी है। टाइमिंग्स है सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। और यहाँ 3000 प्रकार के पक्षियाँ हैं, 21 एकड़ में फैला हुआ जगह है। यहाँ 2 शोज़ भी होते हैं, एक दोपहर 12:30 बजे और एक 3:30 बजे। और यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ है कि एक ऑस्ट्रिच और इमू बोल के बर्ड है जहाँ जिसको आप खिला सकते हो बाकायदा, बीच में बैरिकेड है तो लगने का कोई चांस नहीं है। बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बड़े लोग भी उसको खिला रहे थे, बहुत ही सही है, वो ज़रूर करिएगा। यहाँ के चार्जेस है 1150 रुपये। फिफ्थ अट्रैक्शन है डिस्कवरी सेंटर, जो सूर्या केएलसीसी शॉपिंग मॉल में है, जो पेट्रोना टावर्स में है। ये 4th फ्लोर पे है। इसके टाइमिंग्स है सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक और वीकेंड्स में है 9:30 से शाम 6:30 बजे तक। ध्यान रखिएगा सोमवार को बंद रहता है। बच्चों के लिए बहुत सही जगह है, यहाँ बहुत से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है जो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा करके। और स्पेशली एक ग्लास बॉक्स है जहाँ हरिकेन का फील होता है, वो बहुत ही सही है, बहुत ही मज़ा आएगा, आराम से 1-1.5 घंटा बच्चे लोग वहाँ इन्जॉय कर सकते हैं, बहुत कुछ है करने के लिए। डिस्कवरी सेंटर के चार्जेस है अडल्ट के 450 रुपये और बच्चों के लिए 250 रुपये। बाकी इसमें एक टिकट है जो फैमिली टिकट, वो लेने से थोड़ा और सस्ता पड़ता है। 6th अट्रैक्शन है बूटा केव्स। यहाँ टाइमिंग्स है सुबह 6 से रात 9 बजे तक। 20 मिनट का रास्ता है केएल सिटी सेंटर से। बहुत ही सही अट्रैक्शन है ये भी। यहाँ मुर्गन गॉड है जो 140 फीट ऊँचाई का स्टैचू है ये। और ऊपर जाने के लिए केव तक 272 स्टेप्स है, तो थोड़ा फिटनेस लेवल चाहिए, पर ऐसा नहीं कि आप जा नहीं सकते हो, आराम से जा सकते हो। और यहाँ से आप ट्रेन से भी जा सकते हो, ट्रेन से केवल 30 से 35 रुपये लगते हैं जाने का, बहुत ही सही है, आराम से आपका यहाँ 2 घंटा बीत सकता है। मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह सुबह जाइए, भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगा और आपको सही माने पर केव का जो लुक है, जो ब्यूटी है, वो आपको दिखेगा। टोटली फ्री एंट्री है, कोई चार्जेस नहीं। फिर है सुल्तान अब्दुल समाद बिल्डिंग, जो मिर्दिका स्क्वायर पे है।
यहाँ का मेन अट्रैक्शन है कि 150 फीट का क्लॉक टावर है, पर उससे ज़्यादा मुझे एरिया बहुत सही लगा। सामने बहुत ही बड़ा गार्डन है जहाँ यहाँ मलेशिया का फ्लैग है, और वो एरिया इटसेल्फ बहुत ही साफ़ सुथरा, तो ऐसे कुआला लंपुर साफ़ सुथरा है पर एरिया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वेल डेवलप्ड है, वहाँ ज़रूर जाइएगा। फिर है पुत्रजया, जहाँ मेन अट्रैक्शन से एक तो ब्रिज जो आप लेते हो वहाँ जाने के लिए, वहाँ जब आप ब्रिज में क्लाइम करते हो तो ऐसा लगता है एकदम 3D इफेक्ट जैसा फील होता है। फिर है वहाँ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और है आपका वहाँ का जो मॉस्क है, वो दोनों बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स है, आप जा सकते हो। करीबन 1 घंटा लगता है सिटी सेंटर से वहाँ जाने के लिए, तो आपके पास समय है तब आप जाइए, नहीं तो आप ये अवॉइड भी कर सकते हो अट्रैक्शन। एयरलाइंस का बात करें तो सबसे सस्ता एयरलाइन है एयर एशिया इंडिया से मलेशिया जाने के लिए। कोलकाता से 12,000 रिटर्न चार्जेस है, बशर्त यह है कि करीबन 2 से 2.5 महीना पहले आप बुक कराएं, तब आपको काफ़ी सस्ते में आप जा पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए।